एवरीवन, दिस इज़ मीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टमीनियस। सो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और सारे भाई फिट होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि टाइटल हम लोगों ने देखा होगा, आज हम अपनी गाड़ी में विनाइल रैप कराने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो टॉपिक है ना, बिल्कुल मतलब सरप्राइजिंगली आप सबके सामने आया है, क्योंकि भाई अभी जो है ना अपना इंटीरियर का सारा काम चल रहा है। सडनली रैप क्यों करवाया, क्या करवाया, उसके पीछे का रीज़न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, मैंने डिसाइड करा था कि अपनी गाड़ी में जो है सेंसर वगैरह सब लगेंगे, सेंसर और कैमरा। वैसे मेरी गाड़ी में पहले भी सेंसर लगे थे, पर वो ख़राब हो गए थे, इसलिए मैंने उसे हटा दिया था। वैसे वहाँ ऊपर पे सेंसर हमने फिट करवाए थे और अपनी गाड़ी में कैमरा भी था, बट वो टूट गया था, इसलिए वो भी नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा था कि सेंसर और कैमरा साथ ही लगाएंगे। मैंने अपने पीछे की डिग्गी देखी तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई यार, सेंसर और कैमरा तभी अच्छे लगेंगे जब अपनी डिग्गी सही लगेगी। क्योंकि भाई ऐसा है ना, बहुत टाइम से पीछे मैंने कोई काम नहीं कराया। फ्रंट में आप जानते हैं, हमने अच्छे से काफ़ी अच्छा लुक बना लिया है, पेंट वगैरह करा लिया, लाइट चेंज करा लिया, तो फ्रंट का लुक काफ़ी अच्छा हो गया। पर अपनी डिग्गी है वो अभी भी नॉर्मल थी, पुराना ही लुक्स में था और डल हो गई थी पीछे से। तो मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि अपनी डिग्गी पर काम करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है अपनी गाड़ी की विनाइल रैप के ऊपर बात करने वाले। तो मैंने गाइस अपनी डिग्गी में जो है विनाइल रैप करवा लिया है, जो मैंने सारा काम है एक लोकल शॉप में करवाया अपने घर के पास में ही। एंड मैं मतलब सारा काम वहीं करवाता हूँ। मुझे मतलब लगा कि भाई अभी फिलहाल हम यहाँ ट्राई करते हैं, क्योंकि जब मैंने पेंट का पता करा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। हालांकि मुझसे भी कराने को तैयार था, पर एक चीज़ थी कि मैचिंग का फिर इशू। चलो, मैचिंग का इशू भी हम देख लेते। मेन बात ये थी कि एक बार मुझे विनाइल भी ट्राई करनी थी अपनी गाड़ी में, कि अगर हम कंप्लीट विनाइल अगर अपनी गाड़ी में करवाते हैं तो कैसी लगने वाली है। इसलिए गाइस, मैंने अपनी डिग्गी के ऊपर विनाइल लगवाई थी। बहुत से भाई ये भी कहेंगे भाई ऐसे पूरा ढक के होता है, ये होता है, होता है। देखो भाई, ये जो है ना मतलब खाली डिग्गी में करा है, कभी जब पूरी गाड़ी में कराएंगे तब कुछ अलग तरीके से कराएंगे, ठीक है, पूरा मेथड अलग रहेगा। बट ये डिग्गी में है तो अभी देखना आप कैसा लग रहा है आपको। प्राइस की बात करें तो गाइज, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 800 में पूरा कंप्लीट हो गया था। मतलब पूरी डिग्गी हमने कंप्लीट कर ली थी। मेरे ख्याल से भाई बहुत अच्छी डील है। अगर आप पेंट कराने भी जाओगे तो आपके अच्छा पेंट होगा तो 1500 से 2000 के बीच में आपको पेंट पड़ता है बंपर का, खाली बंपर का। मतलब 1500 से लेके 1800 के बीच में हो जाता है। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि भाई, जो हमने रैप कराया उसकी लाइफ कितनी है, कितने टाइम तक वो चल सकता है, प्लस पीछे का वाइपर है ना, उस सेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज और भी रहती हैं तो भाई इंस्टाग्राम पे आके आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि गाइस, ये जो टॉपिक है ना, मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था इंस्टाग्राम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, आपको ऐसी कार मॉडिफिकेशन से रिलेटेड व्यू देखने को मिल जाए और कुछ डीआईवाई ट्रिक्स भी आपके साथ में शेयर करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, अगर हम यहां पे बात करें इसकी लाइफ कितनी होती है, इसकी देखो ऐसा है कि एक्सपेक्टेड लाइफ कम से कम 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में होती है। अगर आपने सही से मेंटेन रखा तो 1 से 1.5 साल आराम से चलता है बिना किसी दिक्कत के। हाँ, अगर थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह लग जाए फिर तो जाहिर सी बात है चेंज करना ही पड़ेगा, पर नॉर्मली इसमें 1-1.5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी को अच्छे से क्लीन रखते हैं, ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं रहता और लंबा भी ये चल सकता है। तो अब मैं आपको कुछ शॉप के सिनेमैटिक्स टाइप में दिखा देता हूँ, जो मैंने उस टाइम पर फटाफट रिकॉर्ड करे थे। तो एक बार आप वो सब देख लीजिए कैसा मतलब पूरा इंस्टॉलेशन है, वो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसे हमने करा है इसको इंस्टॉल। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में मिलते हैं।
देख सकते हैं जो अभी इसका हमारा विनाइल रैप है काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। मतलब आप देख सकते हैं ना बिल्कुल पेंट जैसा ही लग रहा है। बस हाँ एक दिक्कत जो मुझे लग रही है वो यही है कि यहाँ के रैप में और इधर के पेंट में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, पर ये डिफरेंस भी बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे जब हम अपनी गाड़ी में रबिंग करा लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि यही जो कलर है ना इसी कलर की रैप अपनी पूरी गाड़ी में करा लेंगे, तो वो फ्यूचर में देखेंगे कैसा होने वाला है। काम स्टार्ट होता है ना खर्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब आपको धीरे धीरे पता चलते रहता है कि यार ये चीज़ ख़राब है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ जब भी गाड़ी में काम कराने जाओ तो पहले से एक अच्छा खासा बजट बना के चलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी टेल लाइट आपको वैसे अच्छी दिख रही होंगी, पर ये साइड की टेल लाइट टूट चुकी है, ठीक है, ये जो है टूट गई है। तो मैंने कहा भाई इसे भी चेंज करते हैं और इस लाइट का भी डिज़ाइन अपना थोड़ा चेंज करेंगे। तो इसलिए गाइज मैंने इसकी एक टेल लाइट भी खरीद ली थी ओरिजिनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्रांड न्यू इसकी टेल लाइट भी ले ली है। तो देख सकते हैं ये हमने इसकी नई टेल लाइट भी ले ली थी। इस साइड की हमने जो लाइट थी ना वो फूट चुकी थी, तो हमने कहा भाई यार जब इतना पीछे से काम करवा रहे हैं तो इसको भी करवा लेते हैं। पर ये जो है गाइस ओरिजिनल लाइट है, ये अप्रॉक्स मुझे 650 की देखने को मिल गई थी, तो मेरे हिसाब से सही डील पड़ी है। आप देख सकते हैं ये अपना जो टोर्च स्ट्रैप है ना ये पुराना हो चुका है और ये ख़राब भी हो चुका है, तो समय के साथ इसका कलर फेड हो गया था, तो मैंने एक ये नया टोर्च स्ट्रैप भी इसके लिए खरीद लिया था। और ये गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी जब तक टोर्च स्ट्रैप मंगाता था ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो टोर्च स्ट्रैप की जो कॉस्टिंग रहती है वो अप्रोक्स 250 प्लस ही रहती है ऑनलाइन। यहाँ पे सेंसर्स लग जाएंगे अपने चार और बीच में कैमरा आ जाएगा। नंबर प्लेट भी मैं चेंज का सोच रहा था बट पर आज वो सब नहीं हो पाया, तो उसको हम फिर किसी और दिन कवर करेंगे। जो अपनी लाइट्स है ना गाइज ये भी आप देख सकते हो, ये अपनी ब्रेक लाइट सब ओके वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हम एस का लोगो लगाएंगे बस, ज़्यादा इसमें कुछ भी पीछे नहीं लगने वाले स्टिकर। अब पीछे जितनी हो सकेगी अपनी डिग्गी नॉर्मल रहेगी, वहाँ पे जो भी एक स्टिकर लगा वो भी हट जाएगा, उसके बदले कोई अच्छा सा स्टिकर देखेंगे। देख सकते हैं कि सिर्फ 800 रुपये में अपने पूरा काम करवाया है एंड वैल्यू फॉर मनी है। बस हाँ जो आपको कलर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा ना ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने इसमें पता है बहुत टाइम से रबिंग नहीं कराई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी वो अपने जो सेंसर हो गए और पार्किंग कैमरा है उनसे रिलेटेड बनाएंगे, क्योंकि वो इंटीरियर में लगने वाले हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे इंटीरियर की सीरीज से, पीछे की सीरीज़ में काम करेंगे। अभी मैं देख रहा था गाइस बहुत कमेंट आ रहे थे वाइपर से रिलेटेड, तो मैं भाई वाइपर का यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। एक तो पता क्या हो रहा है ना, मोटर नहीं मिल पा रही जो मोटर मेरे को चाहिए इसके लिए, बाकी सब कुछ सामान पड़ा है, वाइपर है, ड्रिल मशीन है, आराम से फिट हो सकता, सब कुछ हो सकता है, बट मेन जो है ना वो मोटर है, वो मोटर मिल नहीं रही है। तो जैसी मोटर वगैरह सब मिल जाएगी तभी मैं काम स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैंने 20 से काम स्टार्ट करा फिर कोई पार्ट नहीं मिला तो फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए गाइस आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है वाइपर की मोटर में, मतलब पीछे का जो अपना सिस्टम है ना उसमें, पर बिलीव मी जब पूरा काम हो जाएगा आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। एक मेरा मेन थीम ये भी था कि भाई अगर हम पीछे से वाइपर वगैरह लगाएंगे तो अच्छा लुक आए, इसलिए हमने जो है पीछे का अपना पूरा पैनल टॉप नॉच बना लिया है। वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मिलते हैं इसी अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना होगा आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। वैसे गाइज मैंने जो है पहले ही रिवील कर दिया था इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।